हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही हमारी टीवाई बीकॉम क्लास एंड टीवाई बैफ क्लास 7-5 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज एंड टॉपिक चल रहा है हमारा बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स में लेक्चर नंबर 9 आपको देखने मिलेगा, कंडीशन फॉर बायबैक विथ जनरल एंट्री एंड नोट्स ऑफ अकाउंट। क्लियर? इस टाइप के सम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्लास की अगर मैं बात करूं, बीकॉम लेवल प्लस बैफ लेवल काफी इंपॉर्टेंट होता है। जहां पे कंडीशन फॉर बायबैक के दो टाइप ऑफ सम है, मैं पहले ही बता चुका हूं जब से हमारी सीरीज चल रही है। और मुझे लगता है अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग वन लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 10 तक की क्लास देख लेगा तो जितने भी टाइप ऑफ सम है मैंने यहाँ पे कवर करा दिया। इसके बाद भी अगर किसी बच्चे को डाउट रहेगा तो मैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा के दे दूंगा, बैफ क्लास या फिर बीकॉम क्लास, जिसकी भी बच्चे डिमांड करेंगे वहाँ पे। क्लियर है? बट यही टाइप, इसके बाहर कहीं कुछ नहीं बनने वाला है। अगर आपने अच्छे से क्लास प्रैक्टिस कर लिया है तो प्रीवियस ईयर के पेपर आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। याद होना चाहिए फॉर्मेट एंड कंडीशन क्या सिखाई गई थी। पहला ऑप्शन होता है सोर्सेज, सेकंड ऑप्शन होता है भाई 25% ओन फंड, थर्ड है मिनिमम ओन फंड, तीन ऑप्शन होते हैं, फोर्थ इसी का मीन्स मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट जो सेलेक्ट किया जाता है, लिस्ट ऑफ 1, 2 and 3 में से सेलेक्ट किया जाता है। मतलब ये फॉर्मेट अगर आपको क्लियर है तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने मैं ऐड कर रहा हूँ, डीवाई बीकॉम को पूछा गया था 2013 में, ये पूछा गया है, ध्यान रखना। क्वेश्चन देख लो, बैलेंस शीट का डिटेल्स दे के रखा है। ऑन द सेम डेट इट वॉज डिसाइडेड टू बाय बैक द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एट द मैक्सिमम प्राइस पॉसिबल अंडर द लॉ। अब यहाँ पे प्राइस नहीं दिया, इट मींस ऑफर प्राइस यहाँ पे कंप्यूट करने की बात कर रहे हैं, अपने को निकालना पड़ेगा। इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड बैंक ओडी वॉज टू बी अरेंज। अब बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में आते हैं, सर ये लाइन का क्या मतलब है? ये लाइन से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, स्पेशली कंडीशन फॉर बायबैक एंड जनरल एंट्री में। ये लाइन का यूज होता है बैलेंस शीट के टाइम, इसका मतलब अगर इन्होंने ये लाइन मेंशन किया है, इसका मतलब आपका जो कैश पेमेंट अभी करोगे ना, यहाँ पे एंट्री तो आपने पास कर दिया, जब बैलेंस शीट बनाओगे तो आपके पास बैंक में पैसे आपके पास कम रहेंगे, तो उसको बैंक ओडी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो मतलब इसका बैंक ओडी का जो कॉन्सेप्ट है ध्यान रखना, माइंड में रख लो। कंडीशन फॉर बायबैक में कोई यूज नहीं है, यहाँ पे यूज नहीं है। जब आप जनरल बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट में जो आपका बैंक था, बैंक हट जाएगा क्योंकि आपके पास बैंक में पैसे नहीं है, उठ के आ जाएगा आपका करेंट लाइबिलिटी में उठ के आएगा। मतलब बैलेंस शीट प्रिपेयर करते टाइम होना चाहिए उसका यूज, और कहीं यूज उसका नहीं है। क्लियर है? लाइन से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंपनी डिसाइडेड टू यूटिलाइज पीएनएल अकाउंट टू द मिनिमम एक्सटेंट पास जनरल एंट्री इन द अबव ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर टू बैलेंस शीट आफ्टर द बायबैक ऑफ द शेड्यूल 3 फॉर्मेट। शेड्यूल 3 के फॉर्मेट से जाना है, बट ध्यान रखना इस समय में आपका ये पार्ट करा रहा हूँ, मीन्स कंडीशन फॉर बायबैक एंड जनरल एंट्री। अब ध्यान रखना बच्चे का डाउट ये नहीं क्लियर होना चाहिए, सर जनरल एंट्री बोला था बैलेंस शीट, कंडीशन क्यों बना रहे हो? भाई कंडीशन अगर नहीं बोला तो भी बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन के बेस पे आगे का कॉन्सेप्ट आपका चलता है। बैलेंस शीट की मैं बात करूँ, जनरल एंट्री की बात करूँ, डायरेक्टली नहीं होगा, ये भी आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? और यहाँ पे कंप्लीट मीन्स जगह इतना ही है, इसलिए मैं कंडीशन करा रहा हूँ जनरल एंट्री। बैलेंस शीट खुद से प्रैक्टिस कर लेनी है, अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट में ऐड करना, देन बैलेंस शीट मैं करा दूंगा। रिमेनिंग जो भी मैंने बताया प्रीवियस ईयर के पेपर की अगर डिमांड बच्चों की आएगी तो वहाँ पर ऐड करा दूंगा। क्लियर है? सब को स्टार्ट करते हैं। कंडीशन क्या, पहली कंडीशन है सोर्सेस। सोर्सेस में हमारे तीन है, रिजर्व, पीएनएल, सिक्योरिटी प्रीमियम। सम देख लो आप क्या क्या आपके पास है वहाँ पे। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना दिख रहा है? सिक्योरिटी प्रीमियम 320। रिजर्व कितना है? 8 लाख। रिजर्व कितना है? 8 लाख। 8। पीएनएल कितना है? 4 लाख। पीएनएल दिया है क्या क्वेश्चन में? हाँ। पीएनएल कितना दिया है? 4। चलो नेक्स्ट आ जाओ, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना दिया है? 320। चलो 320। क्लियर है? और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये पे सीख लो, बैलेंस शीट में देकर रखा है सीआरआर मींस कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कोई भी बच्चा यहाँ पे रिजर्व में ऐड नहीं कर देगा, क्योंकि ध्यान रखना फ्री रिजर्व ऐड करना है अपने को, तो सीआरआर ऐड नहीं करना है, ये चीज माइंड में रख लेना। तीनों का सबमिशन ले लो, टोटल टोटल लो, 1520। टोटल कितना आ रहा है? क्लियर है ना? नेक्स्ट आ जाओ फॉर्मेट पे, 25% ओन फंड। इसका फॉर्मेट क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस मीन्स ये आपका टोटल लिख दो 1520।
इसमें ऐड कर दो इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। क्वेश्चन में आ जाओ जरा, इक्विटी कितना है आपके पास 40, प्रेफरेंस कितने का है 20, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 40, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20, सम सामने देखो आप कितना दिया है, सबका प्लस कर दो, सबका प्लस कर दो, 75,20,000। तो ये आपका मिला ओन फंड 75 20 आ रहा है ना, 75 20, इसका कितना परसेंट निकालना है 25%, मल्टीप्लाई 25% कर दो, 25% निकालो कितना आ रहा है, कितना 18,80,000। आई होप हर एक बच्चे का यही आया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है मिनिमम ओन फंड का क्या कॉन्सेप्ट है, ओन फंड, ओन फंड आपका कितना दिख रहा है यहाँ पे 75 20 75,20,000 माइनस करना है 50% ऑफ डेप्ट, डेप्ट मीन्स डिबेंचर एंड लोन, तो अपने को क्वेश्चन में क्या दिया है डिबेंचर कितने का 40, उसका 50% मीन्स हाफ कर दो कितना आ जाएगा 20, चलो माइनस ले लो, मिनिमम ओन फंड आ जाएगा कितना 55 20। हर एक बच्चे को सामने दिख रहा होगा तीनों ऑप्शन हमारे पास आ चुके हैं, पहले ऑप्शन में आ रहा है भाई 15,20,000, सेकेंड ऑप्शन में आ रहा है 18,80,000, थर्ड ऑप्शन में आ रहा है 55,20,000। जो हमारा अमाउंट फॉर बायबैक लिया जाएगा मीन्स मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक, लिस्ट ऑफ 1 2 3 4, तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, 1 2 3, तीनों में सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है 15 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 20, क्लियर है। नेक्स्ट 25% ऑफ पेड अप इक्विटी एट पार, अब 25% निकाल लो, इक्विटी शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कितना है 40 लाख, 40 लाख का 25% कर दो कितना आया 10 लाख, क्लियर है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर, एक शेयर कितने का था देख लो इधर पे, 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, 20 कैंसिल कर दो कितना बचेगा 10,000, क्लियर ना, 1 2 3 4 5 6 6 0, तो 20 कैंसिल कितना है 10,000। लास्ट है मैक्सिमम पॉसिबल ऑफर प्राइस 4 डिवाइड बाय 5, 4 मीन्स ये ऑप्शन दिख रहा है 15,20,000, डिवाइड बाय 5th में बोले तो 10 लाख, डिवाइड करो कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है, कितना आया 1.52। मैक्सिमम पॉसिबल ऑफर प्राइस कैसे निकाला जाएगा, 4 डिवाइड बाय 5, 4 मीन्स आपका ये जो अमाउंट आया है 15,20,000 कैलसी पे आप ले लो, डिवाइड बाय 5th मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर का यूज करना, ध्यान रखना 10,000, तो 15,20,000 डिवाइड बाय 10,000 आप करो कितना आ रहा है 152, ये आ गया ऑफर प्राइस, क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। और ये क्लियर है तो जनरल एंट्री निकालना हमारे लिए काफ़ी आसान होता है। पहली एंट्री हमारी आती है ड्यू की, ड्यू की एंट्री क्या सिखाई गई आपको, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पे है क्योंकि फेस वैल्यू कितना था 100, ये कितना है 152, तो 52 का प्रीमियम है, जितना एक्स्ट्रा रहेगा वो आपका प्रीमियम हो जाएगा, तो एंट्री क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अमाउंट कैसे फिलअप करेंगे ध्यान रखना, नंबर ऑफ शेयर कितने अपने पास 10,000, इनटू फेस वैल्यू कितने का है 100, तो 10,000 इनटू 100 कर दो कितना आ रहा है 10 लाख आ जाएगा, यही आ रहा है ना, क्लियर है। नंबर ऑफ शेयर जो आपका रहेगा इनटू फेस वैल्यू कितना था बैलेंस शीट में दिख जाएगा, 100 था तो मल्टीप्लाई कर दिया मिल गया, प्रीमियम का कॉन्सेप्ट इजी है, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 10,000 इनटू प्रीमियम कितना है 52, जितना एक्स्ट्रा रहेगा फेस वैल्यू कितना था 100, यहाँ पे 152, तो 52 का प्रीमियम मल्टीप्लाई किया कितना आ रहा है। और इक्विटी शेयर होल्डर में ध्यान रखना ये टोटल अमाउंट आपका मैच हो जाना चाहिए 15,20,000,
और दोनों को ऐड करके देख लो उतना ही आ रहा है, क्लियर है। प्रीमियम के एंट्री पास होने के बाद ध्यान रखना प्रीमियम को सेटल करने के एंट्री पास कर दिया करो। प्रीमियम कहाँ पर लिखा है आपने? डेबिट, तो यहाँ पे कहाँ लिखोगे आप? क्रेडिट। क्या लिखना है? प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट, क्लियर है। कितना है भाई? 520। कहाँ से सेटल होगा? फ्री रिजर्व से। रिजर्व कौन कौन से देखो इधर पे, जनरल रिजर्व कितना दिख रहा है भाई? 8। कितना सेटल करना है? 520। इजिली सेटल हो जाएगा। तो मैं कहाँ से सेटल करूँगा? जनरल रिजर्व से सेटल करूँगा। अकाउंट डेबिट कितना सेटल करना है? 520। कितना सेटल करना है? 520। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमें क्रिएट करना है CRR। क्या क्रिएट करना है भाई? CRR। तो CRR कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट। CRR के अमाउंट में किसी बच्चे को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इक्विटी शेयर कैपिटल का पूरा अमाउंट आ जाएगा कितना? 10। अब ये जो CRR क्रिएट होता है कहाँ से होगा? फ्री रिजर्व से। रिजर्व कितने हैं? 3, जिसमें से रिजर्व ध्यान रखना 8 था। कितना यूज कर चुका हूँ? 520। माइनस करो कितना बच रहा है? 280। जितना बचेगा पहले वो लिख दो। तो आपका बच रहा है जनरल रिजर्व कितना बचा? 280 बच रहा है ना। 280। तो 280 ये ध्यान रखना, हर एक बच्चे को याद रखना है। रिजर्व हमारे पास टोटल कितना था? 8। 520 प्रीमियम को सेटल करने में लगा दिया, और जो डिफरेंस बचेगा वही CRR में जाएगा। लेकिन CRR में अभी भी कितना ध्यान रखना, कितना चाहिए टोटल? 10। कितना आ चुका है? 280। 4 यहाँ से यूज होगा। कहाँ से? PNL से, प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना? 4। अभी भी कितना बच रहा है? अभी भी कितना बच रहा है? ध्यान रखना डिफरेंस दोनों का टोटल ले लो। अभी भी 320 बच रहा है। यहाँ से यूज होगा। कहाँ से? सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज होगा। कहाँ से यूज करना है? सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो इसको भी क्या करना है? इसको भी डेबिट कर देना है। कितना? तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। टोटल देख लो जरा, टोटल कितना रहा भाई? 10। मतलब आपके फ्री रिजर्व से ही पूरा यूज हो गया। अगर फ्री रिजर्व से डिफरेंस कुछ आता तो वहाँ पे उन्होंने लाइन लिखा है भाई बैंक ओडी का यूज़ आप कर सकते हो, वैसे यूज हो जाएगा। क्लियर? लास्ट आपका पेमेंट की एंट्री है। CRR क्रिएट होगा, पेमेंट कर दो। पेमेंट करोगे पैसा जाएगा, कि पैसा किसको देना है? इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री क्या आएगी? टू बैंक अकाउंट। कितना? इक्विटी शेयर होल्डर का अमाउंट टोटल 1520। क्लियर है? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। जितने भी बच्चे चैनल के साथ जुड़े हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नोट कर लो पहले आप इसको, नोट कर लो। चले नोट कर लिया। जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं क्लियर है, स्टार्टिंग से क्लास अगर आप देखते हुए आए हो तो भाई उन बच्चों को स्पेशली डाउट ही नहीं होना चाहिए। और जिनको अभी भी डाउट है तो पहले तो ये फॉर्मेट क्लियर करो आप। ये कंडीशंस अगर क्लियर है, कितनी कंडीशंस से कैसा क्या फॉर्मेट सेट होता है भाई, रिसोर्सेस आपके पास कौन कौन से हैं, ओल्ड फंड का क्या मतलब होता है, अगर पता रहेगा थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट तो इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर? जनरल एंट्री स्टार्टिंग क्लास से करते हुए आया हूँ तो हर एक बच्चे का तो ये तो परफेक्ट ही हो गया होगा कि किस प्रोसेस से किस तरीके से जनरल एंट्री हमारी चलती है। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। कल की हमारी लास्ट क्लास होने वाली है, मीन्स लेक्चर नंबर आपका रहेगा 10, जहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे बायबैक ऑफ शेयर्स। क्लियर? इसके बाद भी अगर बच्चों की डिमांड आएगी एग्जाम से पहले तो मैं प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करा के दूंगा। किसका? बैफ का एंड बीकॉम। जिसकी भी बच्चों की डिमांड आएगी उनका पेपर मैं प्रीवियस ईयर का सॉल्व करा के दे दूंगा। तो आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस, किस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने मिलते हैं। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे TYBCOM क्लास एंड TYBAF वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।